क्या चीज है? फॉरेस्ट है, क्या है? अलग ऑफ फॉरेस्ट है। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना फॉरेस्ट का, ये हमारा बाईपास रोड है जो कनेक्ट होता है। यहाँ से आया, यहाँ से आया। जय हिंद सर। आज के नाइट नेविगेशन के लिए ब्रीफिंग के लिए अनुमति चाहती हूं श्रीमान। अनुमति है। थैंक यू सर। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। मायसेल्फ कैप्टन नवा एंड दिस इज माय कमांडो टीम सर। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू सर बिकॉज वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट दिस नाइट नेविगेशन activity today after so many years. So today we have planned an activity of night navigation. So this is our sand model which we have prepared where we are going to take care of our machine. कमांडोज, आज हमें ऐसा मौका मिला है जो कई सालों से हमें इंतजार था। हाँ, मैसूर में हाँ ट्रेनिंग के हम तकरीबन एक साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैसूर के एरिया में घुसपैठ हुआ है, टेररिस्ट आ चुका है। ऐसे टेररिस्टों को ढूंढ कर मार देने का एक हमको बड़ा अच्छा मौका मिला है। इस मौके को कहीं गलती से भी हमने गवाना नहीं। हमारा ब्रिगेड जो 3 ब्रिगेड की तरफ से 9 मोटर रेजिमेंट्री को एक टास्क मिला है। 4 उग्रवादियाँ हमारे मैसूर इलाके के एक जगह पर छुपे हैं, ढूंढ कर मार गिराना है। इसी टास्क को पूरा करने के लिए हमें सैंड मॉडल बनाए गए जो कि हमारा कमांडोस टीम तैयार है। इस कमांडोस टीम के जरिए हम इन उग्रवादियों को मार गिराएंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्टिंग टीम रहेंगे, जो पीछे से रिजर्व से कहीं से भी आपने हमको मदद कर सकते हैं। आइए आज का सैंड मॉडल का पूरा जानकारी दूंगा। जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, ये सैंड मॉडल मैसूर वेस्ट अलोक पैलेस के नज़दीक फॉरेस्ट का है। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है ये क्या चीज़ है। ये जो लाइन बिछी है इलेक्ट्रिकल पोल है और उसके इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, और जो देख रहे हैं ना ये ब्लैक सा जो बना है ये रास्ता है, और येलो रेड इस तरह जो पेपर बिछाया गया है इसको घर, हर जगह सिटी के अंदर घर होने के कारण घर का दर्शाया गया है। यहाँ आसपास की रिसोर्स की जहाँ पर भी जो चीज़ें मिले वो चीज़ों से बनाया गया है। इसे आपने अपने कुदरत के साथ मिलना है, मिलकर अपने खुद को समझना है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ना कुछ बिल्डिंग वगैरह रखा है। एक है श्रीकर मैसूर जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये जो दिख रहे हैं ना ये वाला एक हॉस्पिटल है गेंजे। इसके बाद और भी कुछ गहराई से बताना है तो कुछ ऊंची पहाड़ी है, वो पहाड़ी के ऊपर भी आपको कुछ फ्लैगों में दर्शाया गया है। चलो अभी चलेंगे हम आज ऑपरेशन करने का कैसे
नाइट विजन साथ वो उग्रवादियों को मार गिराना या ढूंढने के लिए क्या हमने तैयारी की है वो तैयारी का मैं बताऊंगा। तो बताने का तरीका है, तो यहाँ से हम रात को 10 बजे निकलेंगे मैसूर से। तो कहाँ से जाएंगे? रास्ता 271 नेशनल हाईवे से। ओके, तो आगे चलते ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಳ್ಳೇಗೌಡ ದರ್ಶನ್ ಧನು ಪ್ರಸನ್ನ ನಂದ ಆಂಟ್ರೋಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಟಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್
Kodam boys team reached. Nanda, Danush, Prasanna, Kullegodru, Andros, Kartik, Prakash B team, Darshan. Our destination is completed with MD sir. Super. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇವರಿವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಹೆಸರೇ ಇರ್ತಾವ 14 ಮಗ 15 ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾವ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಟೀಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲ ಸಭಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರು ಓಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಹಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ತನಗೂ ತಿಮ್ಮಿ ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು
Fielding team Sadar. DBC team Vishal. Seven day, DBC team Sadar. Jai Shivan. Jai Hind. Debriefing करने के लिए अनुमति दे. Seven day Vishal.